गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हमने सुबह ही आपको एसएससी सीजल के एमबी के बुक से दो सेट कराए एक साथ, जिससे कि हमने आपसे वादा किया था कि मैं आपको दो दो सेट एक साथ कराऊंगा, लेकिन मैं क्लोट टेस्ट नहीं कराऊंगा। यस, तो क्लोट टेस्ट ना कराते हुए मैंने इसके दो सेट कराए आपको, जैसा कि आपने देखा भी होगा उस वीडियो में। अभी भी मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, शाम में भी आपको दो सेट कराए जाएंगे, 42 और 43। सुबह हमने करा था 40 और 41, अब हम करेंगे 42 और 43, यानी कि टू सेट्स एक साथ। जिन लोगों ने सुबह की वीडियो देखी उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो शाम की वीडियो भी जरूर देखें और नोट्स बनाते रहें, कोई भी लापरवाही अपने अंदर ना लाएं आप किसी प्रकार की भी। यस, तो चलिए फिलहाल चलते हैं आज के पहले सेंटेंस पे। कह रहा है कि एज बेंजामिन रेन नेक्स्ट द स्ट्रीट ही वंडर्ड व्हाट ही शुड बाय। यहाँ पे आपको देखना है कि क्या सेंटेंस का करेक्शन हो सकता है सही। अगर यहाँ पे हम लोग चलें तो मेरा एक आर्टिकल का रूल यहाँ पे आ रहा है, जैसे कि हमने आपको आर्टिकल के रूल में पढ़ाई दिया है वो बच्चे से। आर्टिकल पूरा फिनिश हो चुका है, सुबह उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी थी। तो आर्टिकल के ही रूल में हमने आपको एक नंबर बताया था डे फोर में, कि नंबर्स दो तरह के होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। यस, कार्डिनल नंबर मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से। ऑर्डिनल नंबर मतलब, माफी चाहूँगा उल्टा हो गया यहाँ पे, देख लीजिएगा फिर से ध्यान से। कार्डिनल नंबर मतलब 1, 2, 3 ऐसे, और ऑर्डिनल नंबर मतलब फर्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट, लास्ट, ऐसे बताया था। यस, ये आपके कार्डिनल नंबर, ये हैं आपके ऑर्डिनल नंबर। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑर्डिनल नंबर से पहले लगता है आपका द, लगता है। तो यहाँ पे यही मिस्टेक उसने दी है, नेक्स्ट द स्ट्रीट नहीं, द नेक्स्ट स्ट्रीट। क्या होना चाहिए था यहाँ पे, द नेक्स्ट स्ट्रीट, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट माना जाता। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहा है कि इट हैड अ ब्राइट ब्लू कवर विच ही वॉज केयरफुल नॉट टू, अरे नॉट डू सो। यहाँ तो मेरे से बोला ही गलत नहीं किया। यस, आदत इस तरह की पड़ी हुई है कि रूम बोला ही नहीं गया। यहाँ पर नॉट डू नहीं, नॉट टू होना चाहिए था, नॉट टू सोइल। ये मिस प्रिंट ही मैं समझूंगा, अगर मिस प्रिंट नहीं भी है तो भी ये गलत ही माना जाएगा। सी पार्ट में डू की जगह टू लगाएंगे तो उसका करेक्शन ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर थर्ड। कह रहा है कि ऑल दो द स्कूल लंच पास्ड द लीगल स्टैंडर्ड्स डैश और नॉट इट इज़ हेल्दी इज डिबेटेबल। यहाँ हमें भरना है ऑप्शन के हिसाब से कि ऑप्शन में कौन सा वर्ड फिट बैठ सकता है। पहला है वेदर, मौसम के लिए लगता है, फिर इफ़, वेदर और एदर। यहाँ पे एक चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखें आप अपने साथ में, कि कुछ पेयर्ड कंजक्शन है जिसके लिए इसमें एक बार आपको पहले बताइए वीडियो में, उन्हीं में से एक आपकी वेदर, इसके साथ हमेशा और लगता है। क्या लगता है हमेशा इसके साथ में, और वेदर और का पेयर है। यहाँ पे और दिख रहा है आपको, तो आपको वेदर लगाना होगा, ये वाला, वो वाला मौसम के लिए है, सी आपको लगाना होगा, वेदर और नॉट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। सेवनटीन स्टूडेंट्स वर नीडेड फॉर अ डैश इन ऑर्डर टू डिस्कस द टॉपिक्स ड्यूरिंग द स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग। वोकैबुलरी से है, जो जो वोकैबुलरी है उसको देखिए। पहला है डेकोरम, इसका मतलब होता है मर्यादा, शिष्टाचार। उससे अगला वर्ड है आपका कोटा, आपको पता होगा कोटा वगैरह सुनते हैं, किसमें वहाँ पे इतना कोटा, वहाँ पे इतना कोटा। अगला है कोरम, किसी सभा को संचालित करने के लिए लोगों की न्यूनतम संख्या, यस, और कोट मतलब कोई भी आपके लिखे गए शब्द, तो यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा कोरम। 17 स्टूडेंट वर नीडेड फॉर अ कोरम इन ऑर्डर टू डिस्कस द टॉपिक्स ड्यूरिंग द स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग, यानी कि इसका भी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका वोकेबुलरी वर्ड, यानी कि आपका है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ढंग से देखिएगा, पहला वर्ड है पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मतलब पिछले भाग, पोस्टीरियर मतलब पिछला भाग, एंटीरियर मतलब अगला भाग, एंटे आ गया तो अगला, पोस्ट आ गया तो पिछला।
ये आपका रूट वर्ड से है। जब भी किसी वर्ड के शुरू में आ जाए POST तो उसका मतलब होता है बाद, यानी कि आफ्टर। जब भी आ जाए एंटे तो उसका मतलब होता है पहले, यानी कि पूर्व, बिफोर। आपने सुना भी होगा AM PM, AM यानी कि एंटे मेरिडियम, एंटे यानी कि पूर्व, और PM यानी कि पोस्ट मेरिडियन। मेरिडियन मतलब बोलते हैं दोपहर को, यानी कि दोपहर से पहले और दोपहर के बाद, यहीं से निकला है वर्ड आपका। अगला है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब भी होता है पहले वाला। अगला है डोर्सल, जिसका मतलब होता है पिछला। और फॉर्मर का मतलब होता है पूर्वज। ये बना आपका फोर से, इससे बना आपका ये फोर। फोर भी आपका एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है पूर्व। क्या होता है? इसका कंपेरेटिव होता है फॉर्मर, तब इसमें से ई हट जाता है, और सुपरलेटिव होता है फॉरमोस्ट, तब इसमें ई लग जाता है। यस, इसका पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, तो इसका आंसर हो जाएगा डोर्सल। अगला है इम्फेसिस। इम्फेसिस का मतलब होता है महत्व, इग्नोरेंस, ध्यान देना, लिथार्जी, आलसी, ट्रेबिलिटी, महत्वहीनता यानी कि इसका अपोजिट, और सिग्निफिकेंस यानी कि इसका सिनोनिम, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला है आपका लेम्बेंसी। लेम्बेंसी मतलब चमक। ऑप्शन आपका पहला एफ्लुगेंस, चमक, डननेस, भद्दापन, गस्तो, तेज हवा का झोंका, जोश। अगला है फोर्स, फोर्सेंस यानी कि चमक धमक, तो इसका आंसर भी हो जाना चाहिए आपका डलनेस। उससे अगला वर्ड है आपका टारगेट। यस, टारगेट मतलब फूला हुआ, जिसके अंदर कोई गैस भरी हो उसको बोल देते हैं टारगेट। पहला ऑप्शन आपका बुलेटेड मतलब फूला हुआ, हम्बल मतलब विनम्र, पफी भी मतलब फूला हुआ, और टम सेंट, टमी से बना है आपका ये टेप, टम यानी कि पेट का भरा जाना, यानी कि फूला हुआ, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ और बचता है आपका हम्बल, और कुछ बचता ही नहीं है। यस, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए आपका बी। अगला है आपके दो इडियम्स। इडियम्स नंबर 9, ये बैड टेस्ट, टेस्ट कह रहा हूँ, टेस्ट, टेस्ट यानी कि स्वाद, और वंस फॉर ऑल। वंस फॉर ऑल यानी कि इन बैड टेस्ट, यानी कि आपके मतलब की कोशिश ना होना, नॉट सुटेबल और ऑफेंसिव। वंस एंड फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल मतलब सदा के लिए या आखिरी बार, नाउ एंड फॉर द लास्ट टाइम यानी कि फाइनली, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि पहला इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों ही इडियम्स के आंसर आपके पहले ही हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर 11 है, कॉमन एरर है, कह रहा है कि हिज शूज टू कवर विद मड, हिज शूज टू कवर विद मड, यानी कि सेंटेंस में अभी तक कहीं भी वर्ब का जिक्र नहीं हुआ है। मैंने आपको हमेशा बताया कि सेंटेंस बिना वर्ब के बन ही नहीं सकता, तो आपको यहाँ पर वर्ब लगानी जरूरी है। अब शूज एक पेड नाउन है जो हमेशा प्लूरल में ही चलता है, यानी कि इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब चलेगी, क्योंकि शूज यानी कि दो। यस, शूज का आप कभी भी इस्तेमाल सिंगुलर में नहीं कर सकते। खूब सारे वर्ड ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल आप सिंगुलर में नहीं कर सकते, उनमें से एक आपका शूज, सॉक्स, सीजर्स, यस, बाइनोकुलर्स यानी कि दूरबीन, चश्मा, पैंट, ट्राउजर, ये सभी इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। अब यहाँ प्लूरल कितनों में है? इसमें है, नहीं है, इसमें है और इसमें है। अब यहाँ पे ही शूज डैश विद मड सेंटेंस जा रहा आपका पैसिव में, क्योंकि ये रिसीवर सब्जेक्ट है, डूअर नहीं है, तो ही शूज वर कवर्ड विद मड, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। द ट्रॉपिकल स्टॉर्म बी अ हरिकेन, फिर से आपको यहाँ पे बी आया है, आपको बी की ही फैमिली का कोई एक वर्ब लगाना होगा, कोई भी एक वर्ब। अब यहाँ पे इज एम आर वॉज वर्ब में से कोई एक रहा है ही नहीं, यहाँ पे ऑप्शन में विल नहीं लगा सकते, टू बिकम लगा सकते, सिर्फ और सिर्फ आपके पास मजबूरी बनती है या तो ये लगाने का या फिर भी ये। द ट्रॉपिकल स्टॉर्म डैश अ हरिकेन, यानी ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो है हरिकेन बन गया, तो विल बिकम अ हरिकेन, यानी किसका आंसर लगा देंगे आप ए। चलते हैं सेंटेंस नंबर 13 पे। 13 है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सीकिंग टू हार्म समवन इन रिटर्न फॉर अ प्रिसीव्ड इंजरी, यानी कि किसी को, यानी कह सकते हैं कि बदला लेने वाला कोई व्यक्ति, इस तरह से
पहला वर्ड है एफेबल, मिलनसार, कॉर्डियल, फ्रेंडली, वैंकफुल, बदला लेने वाला, बिनाइन मतलब दयालु, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी, द टेस्ट ऑफ बींग इन शॉर्ट सप्लाई, द टेस्ट ऑफ बींग इन अ शॉर्ट सप्लाई, यानी कि किसी की कमी हो जाना, तो पहला थोड़ा बहुलतरा, सॉरी बहुलतरा करो, बहुलता बहुत अधिक मात्रा में होना, माइरियाड यानी कि अनगिनत, स्कार्सिटी कमी, और प्रोफ्यूजन मतलब बहुत अधिक मात्रा में होना, जिसका आंसर हो जाएगा आपका स्कार्सिटी। अगले हैं आपके वो वर्ड, फिर से आपको बताने की कौन सी स्पेल यहाँ पर करेक्ट है। पहला वर्ड स्क्रिप्चर, इसके सारे वर्ड सेम ही हैं, बस आपको सिर्फ और सिर्फ वो ढूंढना है जो करेक्ट स्पेल है। आप मेरी स्पेल से इसकी स्पेल को चेक कीजिए, चेक कीजिएगा और देखिए कौन सा आंसर सही हो सकता है। SCRIPTURE स्क्रिप्चर, SCRIPTURE यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला अनोयंस यानी कि नाराजगी, ANNOYANCE यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि ये भी सही था लेकिन यहाँ पे एस की वजह से गलत हो गया, नाराजगी। पीक्यूआर पे चलते हैं, कह रहे हैं कि इट वॉज अ समवट डैश कैरिड इट ऑफ एज ट्राइंग ओ डील बट वी बेस्ट एज वी कुड। बस तो ये PQRS की फॉर्मेशन में सेंटेंस मेरी रैम में ग्रामेटिकल मिस्टेक है। यस, जो रूल है वो ये है कि एज एज हमेशा इकट्ठा आता है और यहाँ पे आपको एज दिख रहा होगा और एक एज ये रहा। यस, तो यहाँ पे मेरी रैम में आंसर हो जाना चाहिए फिर एज बेस्ट एज, लेकिन ये भी कहना गलत होगा भैया, इतना ऊंचे स्तर पर अभी तक ग्रामर नहीं पहुंची कि आप एज एज के साथ में सुपरलेटिव डिग्री लगा दें, ये मिसप्रिंट माना जाएगा। यहाँ पे एज गुड एज होना चाहिए था। यस, इसके साथ आएगी आपकी पॉजिटिव डिग्री, एज एज, सो एज, टू टू और सो दैट, इनके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि सुपरलेटिव का। हालांकि फिलहाल एज के साथ एज आएगा तो इसका आंसर यानी कि एक्स के बाद जेड आएगा और एक्स के बाद जेड सिर्फ ए में ही है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। फिलहाल तो आंसर से मतलब है हमारा, क्योंकि हमें मिस्टेक्स तो यहाँ निकालने नहीं है, सिर्फ हमें सही आंसर निकालना है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर 18, कह रहा है कि द कॉन्सेंट्रेशन विच, अभी तक वर्ब नहीं आई है सेंटेंस में, कोई वर्ब यहाँ पर अभी तक नहीं आई है। अब एक तो चाहिए विच को वर्ब, एक चाहिए इसको वर्ब, विच के बाद एक वर्ब आ सकती है और विच के बाद भी फिर एक और वर्ब आ सकती है। यहाँ पर दो वर्ब हैं वाई और एक्स, इन दोनों से ही सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, लेकिन सेंटेंस जेड से स्टार्ट नहीं होगा। कम से कम ये बाहर गया है इससे आपका। द कॉन्सेंट्रेशन विच लेड अस टू रेफर आइडियाज टू द ब्रेन आर सेट फोर्थ इन ओवर साइकोलॉजीज एंड, ये यानी कि आपका आंसर हो जाएगा आपका वाई से स्टार्ट, यानी कि पहला इसका आंसर हो जाएगा वाई, वाई के बाद फिर एक्स, एक्स के बाद फिर जेड। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, नेक्स्ट सेंटेंस आपका एक्टिव पैसिव, कह रहा है कि ओमकार जेनरसली डोनेटेड मनी, डोनेटेड मनी टू द ऑर्फनेज, आपको दिख रहा है यहाँ पर डोनेटेड यानी कि सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म यानी कि आपको लगाना है वॉज वर्ब, वॉज वर्ब कितनों में है वो देखिए फटाफट, पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में भी है, चौथे में नहीं है, यानी कि तो पहला या फिर तीसरा, कम से कम इतना काम आपका कंप्लीट हुआ कि आपको इनमें से कोई एक आंसर लगाना है। उसके बाद सेंटेंस को बनाएंगे आप मनी से, किससे बनाएंगे सेंटेंस को, मनी से, डोनेटिंग से आप सेंटेंस नहीं बनाएंगे क्योंकि डोनेट एक वर्ब थी। यस, वर्ब से सेंटेंस नहीं बनेगा, तो सेंटेंस बनेगा आपका सिर्फ और सिर्फ मनी से, मनी वॉज जेनरसली डोनेटेड टू द ऑर्फनाइज बाय ओमकार। अगले सेंटेंस चलते हैं जो कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनडायरेक्शन का सेंटेंस, माय ग्रैंडफादर सेड टू द विजिटर हु आर यू वेयर डू यू कम फ्रॉम, आपको इज एम आर को बनाना है वॉज वर और कम को बनाना है केम। इज एम आर का वॉज वर कितनों में हुआ, कम का केम कितनों में हुआ, आप उसको देखिए, पहले में नहीं हुआ, सॉरी पहले में नहीं हुआ है, दूसरे में वॉज हुआ है, केम हुआ है, सही है लगता है सेंटेंस ठीक जाएगा, तीसरे में वॉज हुआ है, केम हुआ है ये भी, लेकिन चौथा बाहर, अब या तो दूसरा या फिर तीसरा, इनमें से कोई दो आंसर हो सकते हैं। चलिए चलते हैं, माई ग्रैंड फादर इंक्वायर्स, सेंटेंस प्रेजेंट में नहीं बनेगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कभी भी कोई सेंटेंस प्रेजेंट में नहीं बनता है, सिर्फ कुछ ही कंडीशन है, वो है आपकी सेज, विल से, यूनिवर्सल ट्रूथ और मैथमेटिकल फैक्ट्स। इंक्वायर्स यहाँ नहीं आएगा बिकॉज आगे वाला सेंटेंस पास्ट में है, ये भी एक रूल है कि या तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चले या पूरा सेंटेंस पास्ट में ही चले, तो यहाँ पे इंक्वायर्स की जगह आपको लगाना होगा इंक्वायर्ड, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी सेट में क्रोड टेस्ट है या फिर PQRS वो चेक कर लेते हैं, वो आपको मैं अभी देता हूँ नोट्स के माध्यम से, इसी में ही आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और खुद से करने की कोशिश कीजिएगा।
इसके अंदर है क्लोड टेस्ट, ये आपका क्लोड टेस्ट सेट नंबर 42 का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये रहे इसके ऑप्शंस, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये रहे इसके आंसर, 21 का बी, 22 का बी, 23 का डी, 24 का डी, 25 का बी। यस, हम लोग इसी के साथ में सेट नंबर 43 करा रहे हैं। ये क्लोड टेस्ट आपके लिए हमने छोड़ा है, सुबह भी दो क्लोड टेस्ट छोड़े थे, आज भी दो क्लोड टेस्ट छोड़ेंगे आप ही के लिए। मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट सेट पे, जिससे कि आज चार सेट कंप्लीट होएंगे हमारे, यानी कि दो दिन का काम एक दिन में हो जाएगा। ये आपका नेक्स्ट सेट, सेट नंबर 43। यस, ये भी है सीजल का ही सेट। चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन इसका। द बॉय हु सेट क्लोज हिम वॉज हिज सन। द बॉय हु सेट क्लोज टू हिम, क्लोज और नियर, इन दो वर्ब का इस्तेमाल आप जब भी ऑब्जेक्ट से पहले करते हैं तो आपको इनसे पहले टू लगाना ही होगा। यस, क्लोज टू हिम या नियर टू हिम या फिर बाय लगा सकते हैं। अब आपका हो जाएगा क्लोज टू हिम, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि फिक्स्ड प्रपोजिशन पर जा रहा है। जैसा कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, ये अंग्रेजी ग्रामर में कुछ वर्ब ऐसी हैं जो अपने साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन लेती हैं, उन्हीं में से एक थी आपकी ये वाली वर्ब। व्हेन आई रिटर्न आई लेफ्ट, सॉरी आई फेल्ट, मैंने उल्टा पढ़ लिया इसको, आई फेल्ट अ बिग कैट ब्रश साइड मी एज आई ओपन द डोर। यहाँ सेंटेंस चल रहा है आपका पूरा पूरा पास्ट में, तो सेंटेंस में देखें यहाँ सेकंड फॉर्म आई, यहाँ सेकंड फॉर्म आई, यहाँ पे ब्रश की जगह आपका आना चाहिए था ब्रश्ड, यानी कि यहाँ भी सेकंड फॉर्म आएगी बिकॉज आगे भी सेकंड फॉर्म है। अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरा प्रेजेंट चलेगा, कोई सेंटेंस अगर पास्ट चल रहा है तो पूरा पास्ट ही चलेगा, आप उसकी फॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे व्हेन आई रिटर्न आई फेल्ट अ बिग कैट ब्रश्ड साइड मी एज आई ओपन द डोर, यानी कि इसके बी पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर आपका है थर्ड। एवर सिंस अनिता लॉस्ट हर जॉब शी हैज डन डैश बट वोलो इन सेल्फ पिटी। वोलो कौन लगता है? रोना, तड़पना। शी हैज डन डैश, अब यहाँ पे हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या लगा सकते हैं। शी हैज डन नन, जी नहीं। शी हैज डन नथिंग, बिल्कुल। शी हैज डन नो, शी हैज डन नेवर, शी हैज डन नथिंग बट, यस, तो आप यहाँ लगाएंगे नथिंग, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा नथिंग। एवर सिंस नथिंग लॉस्ट हर जॉब शी हैज डन नथिंग, यानी कि उसने कुछ नहीं किया, बट बोलो इन सेल्फ पिटी, यानी कि सिर्फ रोने पछतावने के अलावा। एज आई थिंक बैक टू माई चाइल्डहुड आई डैश रिकॉल द फन समर्स ऑन माई ग्रैंड फादर्स फार्म। फार्म यानी कि एक एरिया जो किसी शहर से या क्षेत्र से बाहर बनाया जाता है। ऑप्शन ये है आपके विस्टफुली, उदासी से भरे मन से। उससे अगला ऑप्शन आपका फिजिकली, यानी कि आर्थिक रूप से। होपफुली यानी कि आशावादी। होपफुली यानी कि डरने से। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विस्टफुली, यानी कि उदासी भरे मन से। एज आई थिंक बैक टू माई चाइल्डहुड आई विस्टफुली रिकॉल द फन समर्स ऑन माई ग्रैंड मदर्स फादर्स फार्म, यानी कि उसको बड़ा दुख हो रहा है इस बात का, क्योंकि वो क्या दिन थे। आपको भी याद होगा अपने बचपन के दिन, आपको भी बड़ा दुख होता हो सोच करके, सभी को होता है ऐसा, क्योंकि वो भी एक दिन थे। आपका पहला वर्ड है प्लेज, बड़ा प्यारा वर्ड, बहुत ही सुंदर। प्लेज का मतलब होता है चोरी हो जाना, नष्ट कर देना, ख़त्म हो जाना। यस, ऑप्शन है बिक्वेथ, विरासत में देना। कंसाइन, किसी चीज़ को हवाले को चीज करना। एंट्रस्ट, किसी को कोई जिम्मेदारी सौंपना। और डेस्क्रेट मतलब होता है आपका नस करना, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला वर्ड है आपका क्लस्टर, क्लस्टर मतलब जनसमूह। इंडिविजुअल मतलब अलग अलग। असेंबलर्स मतलब जनसमूह इकट्ठा होना। स्पेसिफिक आपको बताइए, सोलटर मतलब एकांत, इसका आंसर हो जाएगा बी, असेंबलेंस, एकत्रित होना। उससे अगला जो है आपका वो है एंटोनियम्स, आपका रैमपार्ट, बड़ा प्यारा वर्ड है, किले की दीवार को बोलते हैं रैमपार्ट। पहला जो ऑप्शन है वो है आपका बैरिकेड, यानी कि चारों तरफ से किलेबंदी कर देना। उससे अगला फोर्ट, किला, एम्बैंकमेंट, किनारा बनाना। डिच मतलब
खाई बनाना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डिच ही। यस, उससे अगला वर्ड आपका एपिडेमिक, यानी कि महामारी, कोई ऐसी चीज़ जो चारों तरफ फैली हुई हो, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है। कॉन्टाजियस, कुछ ऐसी बीमारी जो कॉन्टेक्ट में आने से फैलती हो, कोरोना वायरस। एंडेमिक, यानी कि कोई ऐसी बीमारी जो अब किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती हो। लिमिटेड, आपको पता ही है। और इन्फेक्शियस मतलब कोई ऐसी बीमारी जो इन्फेक्शन से फैलती हो। यस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लिमिटेड, क्योंकि सारे फैलने वाली हैं, सिर्फ एक ही है, लिमिटेड। अब अगला चलते हैं, टू हैव एट वंस फिंगर टिप्स, यानी कोई चीज़ आपकी उंगलियों पर होना, यानी कि खूब अच्छे से आपको कोई चीज़ याद होना। रिकॉल ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एट वंस कमांड, यानी कि बस आपने हल्का सा उंगली पर घुमाया और आपको सब कुछ याद आ गया। टू नॉट हैव अ क्ल्यू, कोई संकेत या इशारा ना मिलना। यस, कोई संकेत या इशारा ना मिलना, यानी कि टू नो, टू नॉट नो अबाउट समथिंग, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। सेंटेंस नंबर 11, जो कि आपका ग्रामेटिकल बेस्ड। सिंस वैन हैव टू स्टार्ट अ बिजनेस बीन सो इजी, आपको सिर्फ ब्रैकेट पार्ट देखना है और ब्रैकेट ही पार्ट को आपको सोल्व करना है। ये वाक्य आपका इंट्रोगेटिव है, सबसे पहले इसको देख लीजिए, आखिर में क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा आपको। इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले आपके दिमाग में इंट्रोगेटिव रूल आना चाहिए, बिकॉज डब्ल्यू फैमिली रूल तो ये है नहीं। सिंस वैन, ये तो हो गया प्रपोजिशन पार्ट, सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये आपका हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव है, यानी कि टाइप वन इंट्रोगेटिव है, जहाँ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आया करती है। और सब्जेक्ट का काम यहाँ कौन करेगा, वो काम करेगा आपका स्टार्ट। स्टार्ट काम करेगा स्टार्टिंग बन के, क्या बन के, स्टार्टिंग बन के। अगर आप स्टार्ट को स्टार्टिंग कर दें तो एज ए जीरण आप इसको सब्जेक्ट बना सकते हैं, और सब्जेक्ट बनाने के बाद ही बन जाएगा जीरण। और जीरण के साथ हमेशा लगती है सिंगुलर वर्ब, कैसे लगती है, सिंगुलर वर्ब। तो हैज़ स्टार्टिंग क्या हो जाएगी, हैज़ स्टार्टिंग, यानी कि सेंटेंस जो असली रूप था अफर्मेटिव का वो था स्टार्टिंग अ बिजनेस हैज़ बिकम सो इजी। यहाँ पे हैज़ स्टार्टिंग अ बिजनेस बिकम सो इजी, इसको ऐसा बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे हैव स्टार्टिंग की जगह हैज़ स्टार्टिंग होना चाहिए था, जो कि सी ऑप्शन में है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी ही। यस, नेक्स्ट है दोज फिल्म्स बीइंग मेड नाउ, यहाँ दोज आया सेंटेंस में, यानी कि दीज और दोज के साथ में प्लुरल नाउन और प्लुरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। प्लुरल नाउन तो है लेकिन प्लुरल वर्ब कहीं नहीं है, ऑप्शन में भी नहीं है, ये जो दो ऑप्शन दिए इनमें भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है आपका सी। सी में ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा लगाने से, आर बींग दोज फिल्म आर बींग मेड नाउ। यस, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट सी। 13 और 14 आपके दो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, हालांकि स्टेनोग्राफर में वन वर्ड नहीं आते, लेकिन हमें तो सब कुछ कराना है सेट का, क्योंकि पता नहीं कितने बच्चे किस किस चीज़ के लिए देख रहे हैं। पहला वर्ड है प्रोडक्शन ऑफ और अथॉरिटी ओवर समवन, किसी चीज़ को प्रोडक्शन या फिर सुरक्षा देना किसी को। अगला है, पहला है ऑटोनोमस, ऑटोनोमस यानी कि ऑटोमला स्वत, यानी कि स्वयं का, यानी कि स्वयं का शासन, स्वायत्तता। अगला है टूटिलैग, संरक्षण। अगला है नोनालिंग, यानी कि गुट निरपेक्ष और अनएडेड, जिसको कोई सहायता ना दी जाए। इसको याद रखें, टूटे लेग से जिसके पैर टूटे हों उसको संरक्षण दिया जाना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक इज एन अपेरेंटली डिफिकल्ट सिचुएशन, आशावादी होना डिफिकल्ट सिचुएशन में भी। सेंग्यून आशावादी, पैलेड फीका, पेसिमिस्टिक निराशावादी, और सोलो मतलब फीका कर देना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेंग्यून। अब अगला वर्ड है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्पेल करेक्ट है, सिर्फ करेक्ट स्पेल को आपको देखना है और आपको कोई नहीं देखना है, तो आपको स्पेल देखिएगा क्योंकि सारे वर्ड सेम है। करेक्ट वर्ड क्या है, वो है एक्चुएशन। एक्चुएशन यानी कि करेक्ट वर्ड यानी कि प्रेरणा। मेरे स्पेल के साथ में इस स्पेल को मैच कीजिए, ACTUATION, ACTUATION, यानी कि इसका आंसर निकल कर आएगा आपका सामने डी। अगला, फिर से सेम वर्ड है सारे के सारे, आपको सिर्फ और सिर्फ वो ढूंढना है जो करेक्ट हो। तो ऑप्शन है, जो वर्ड है वो आपका मोथेटन, यानी कि कीड़ो द्वारा नष्ट किया गया, MOTHEATEN, 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 यानी कि इसका भी आंसर हो जाएगा डी। दोनों का ही आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट सेंटेंस है PQRS बेस्ड, कह रहे कि वी एंटर्ड एंड डैश। अब यहाँ पे हम इतना तो कंफर्म हुआ कि एंड के बाद सेकंड फॉर्म ही आएगी, बिकॉज एंड से पहले सेकंड फॉर्म है। यस, सेकंड फॉर्म है सिर्फ और सिर्फ आपका जेड के पास फाउंड, क्योंकि यहाँ पे हेड बीन थर्ड फॉर्म पे चले जाएगा प्रोसीजर, यहाँ पर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। वी एंटर्ड एंड फाउंड, यानी कि जेड आएगा तुरंत बाद, जेड कितनों में है,
जेड सिर्फ एक में है वो इसका आंसर होगा, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। द रिजल्टिंग ब्रेन चेंज इज डैश। अब इज के बाद या तो मैं वर्ब लगाऊँ, अगर मैं वर्ब लगाता हूँ तो एन जी या थर्ड फॉर्म, अगर मैं थर्ड फॉर्म लगाता हूँ बिकॉज एन जी तो कहीं है ही नहीं, तो जेड से स्टार्ट होना चाहिए सेंटेंस। जेड कितनों में है, सिर्फ एक में है, वो आपका डी है और ये इसका आंसर होगा। द रिजल्टिंग ब्रेन चेंज इज रिगार्डेड एज द ट्रू कनेक्शन कमिस सॉरी क्या है कंकमिटेंट ऑफ द सेंसेशन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका इज के बाद जेड, यानी कि रिगार्डेड, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी कि इज एमआर के बाद या तो आपकी आपकी एन जी फॉर्म या आएगी आपकी थर्ड फॉर्म। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका एक्टिव पैसिव पे आधारित। हु टॉट यू टू राइट, टॉट यानी कि सेकेंड फॉर्म, टॉट यानी कि सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म यानी कि वॉज वर, सेकेंड फॉर्म यानी कि वॉज वर। अब देखते हैं पहले तो वॉज वर कितनों में है, पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में भी है, यानी कि सबसे पहले तो आपका पहले वाला बाहर हुआ। दूसरी बात, सेंटेंस का फॉर्मेशन बाय होम से बन सकता है, हालांकि बाय होम लास्ट में भी आ सकता है, कोई गलती नहीं है, तो बाय होम वाले दो सेंटेंस हैं, यानी कि सी भी बाहर, क्योंकि हु का होम नहीं किया, सी भी बाहर। अच्छा क्यों करते हैं बाय के बाद होम ही क्यों लगाते हैं, ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि हु है आपका एक सब्जेक्टिव केस और होम है आपका ऑब्जेक्टिव केस। यस, और बाय है आपकी एक प्रपोजिशन, बाय क्या है आपकी एक प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आया करता है, इसीलिए बाय के बाद होम आता है ना कि होम। यस, ये कारण है, तो इसलिए यहाँ पे बाय के बाद में हु नहीं आ सकता, इसलिए सी बाहर हुआ, ए बाहर हुआ, ये दो बाहर बचता है बी या डी। बाय होम वर यू टॉट टू राइट, राइडिंग बाय यू वॉज टॉट बाय होम, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हैं आपके। जो आप लगाना चाहे वो लगा सकते हैं, बाय होम वर यू टॉट टू राइड, ये भी ठीक, राइडिंग बाय यू, लेकिन यहाँ थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन सही लगेगा बिकॉज दो बार बाय आ चुका है, लेकिन यहाँ पे राइडिंग यानी कि घुड़सवारी करना, बाय यू तुम्हारे द्वारा, वॉज टॉट बाय होम किसको द्वारा सिखाई गई, लेकिन फिर मैं इसको बाहर निकाल दूंगा रेस से, अगर यहाँ बाय ना होता तो गलत सेंटेंस ही होता है, यानी कि रेस से बाहर है। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ होगा आपका बी, नंट्री का बी ही लगाएंगे और कोई ऑप्शन आप नहीं लगाएंगे। यस, सेंटेंस नंबर चलते हैं 20 पे। 20 आपका नरेशन बेस्ड। शीतल सेट टू मी हाउ हैव यू सोल्व दिस प्रॉब्लम। हैव को बनाना हैड, दिस को बनाना है दैट। हैव का हैड यहाँ पर है, हैव का हैड यहाँ नहीं हुआ, यहाँ हो गया, यहाँ नहीं हुआ, यानी कि बी और डी रेस से बाहर। अब दिस का दैट कितना हुआ, पहले में हुआ, सी में जिसका दैट उसने नहीं किया, तो ये भी बाहर, आपके पास ऑप्शन बचता है सिर्फ और सिर्फ ए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव सेंटेंस को आपको इस तरह करना है, आपको रेस से बाहर निकालना है, जो रेस में शामिल नहीं है उनको बाहर निकाल दीजिए, जो रेस में शामिल है वो आपके आंसर है। इस सेट में आपका एक क्लोट टेस्ट भी है, उसका पिक्स यहाँ देख लीजिएगा और खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। ये रहा आपका क्लोट टेस्ट, थोड़ा सा पिछले पेज पर होगा, उसको मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, दोनों देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा करने की, अपना स्कोर चेक कीजिएगा, भले मुझे मत बताइए लेकिन आप संतुष्टि के साथ कीजिएगा, क्योंकि जब आपको लगेगा कि हमारे 5 में से 3-4 नंबर आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये रहा पिछली एक लाइन क्लोट टेस्ट की, आंसर भी नीचे दिख रहा हूँ आपको, 21 का बी, 22 का ए, 23 का सी, 24 का बी, 25 का ए। ये सी 5 के 5 ऑप्शन आप कॉपी कर लीजिएगा और साथ में यहाँ से ये ऑप्शन बाकी जो हैं ये भी देख लीजिएगा। अब आप कॉपी करके इनको कोशिश कीजिए करने की और अपना स्कोर चेक कीजिएगा कि आपका क्या स्कोर रहा क्लोट टेस्ट में, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 4 क्लोट टेस्ट आपके सामने हैं आज। यस, हमने आपको इन दो वीडियोस में सेट नंबर 40 से 43 तक के सेट करा दिए। 40, 41 सुबह आपने किया, 41, 42 आपने अब किया, ये दो सेट सुबह, ये दो सेट आप अब कर रहे हैं। दोनों ही सेट में मिलाकर कुल 4 क्लोट टेस्ट बैठते हैं, यानी कि 20 मार्क्स का पोर्शन अगर आप छोड़ते हैं तो फिर आप मेरी राय में बहुत लापरवाह स्टूडेंट में से एक हैं। छोड़ना नहीं है, करना है, प्रैक्टिस से ही बात बनेगी, क्योंकि प्रैक्टिस कैन ओनली मेक्स अ मैन परफेक्ट। इन चारों की जाएगा, फिर कल मैं आपको दो सेट कराऊंगा, एक सुबह एक शाम, और उसके मैं क्लोट टेस्ट भी साथ बना कराऊंगा, पर तो फिर मैं स्किप करूँगा। यस, इस तरह से हम लोग ये 2017 निपटा देंगे, फिर हम 2018 पे आ जाएंगे, आप 19 कराएंगे पहले, फिर मैं 18 कराऊंगा। यस, फिलहाल आपसे लेते हैं विदा।
हैव ए नाइस डे, सी टुमारो, शब खैर, गुड नाइट।